प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा दसवीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 7 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें दिया गया है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें एस 22 ज्ञात करना है। तो हमने इसे रफ वर्क में यहाँ पर लिख लिया कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो एस 22 बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया कि ये हमें ज्ञात करना है। और 22वां पद हमें 149 दिया गया है और डी बराबर 7 दिया गया है। तो 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञात करना है। इसके बाद हमें d बराबर 7 दिया गया है और 22वां पद हमें दिया गया है। हम दोनों लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों लिख लेना है। अब 22वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं पुनः बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 8वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे 8वें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 7d। मैंने अगर आपसे कहा कि 20वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे 20वें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 19d। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है, अगर आपसे कहा जाता है कि 8वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उसमें 7d करते हैं और a लगा देते हैं। इसका मतलब 8 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7, और उसमें a लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने पूछा 20वें पद का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे a प्लस 19d। 20 में से आपने क्या किया, 1 घटाया। जैसे 8 में से 1 घटाया तो कितना बचा था, 7, तो 7d। इसी तरीके से 20वें पद का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे 19d। कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर्मूला बनाना बड़ा ही आसान है यदि आपसे कहा गया है 22वां पद। तो यदि मैं आपसे कहता कि 31वां पद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या 31वां पद क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 31वां पद होगा a प्लस 30d। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से 22वां पद भी निकाल लेंगे। 22वां पद यानी कि 22 में से एक चले जाएंगे तो कितना आएगा, तो आंसर है 21। तो ये यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि हमसे 22वां पद पूछा गया है, तो टी 22 बराबर 149 हमें दिया गया है। लेकिन टी 22 जो फॉर्मूला होता है वो बनेगा ए प्लस 21d। 22 में से एक चला जाएगा तो कितना बचा, 21। तो 21 के साथ में डी लगाएंगे और ए तो फॉर्मूले में रहेगा, तो 22वें पद का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 21d और बराबर 149। ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमें d का मान दिया गया है 7। तो यदि हम d का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम a ज्यों का त्यों लिखते हैं, प्लस 21 लिखा है तो हम 21 लिख देंगे, और ये जो d लिखा है इसकी जगह पर ब्रैकेट में हम 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 7, ब्रैकेट कर देंगे बंद, बराबर 149। आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आपका गुणा करने पर आएगा 147 बराबर 149। 147 का पक्षांतर कर देना है तो a बराबर आपको मिलेगा 149 माइनस 147। तो यहाँ पर 149 में से 147 घट जाएंगे, तो आपको फाइनली मिलने वाला है 2। तो प्रथम पद जो है उसे हाईलाइट कर देते हैं, ये a का मान है। तो यहाँ पर हमें केवल d दिया गया था, तो हमने a 22 से a निकाल लिया, यानी t 22 से, तो 22वां पद जो है उससे हमने a निकाल लिया। तो हमें a और d दोनों निकाल लिए हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने a क्यों निकाला, जबकि हमसे तो केवल ये पूछा गया था कि 22वां पद या 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। हमसे तो केवल यही पूछा गया था कि 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने a के साथ ये इसलिए निकाला है क्योंकि d दिया गया था, 22वें पदों का योग यानी Sn हमें ज्ञात करना था और s 22 हमें ज्ञात करना था। तो s 22 में n का मान तो 22 हो जाता, लेकिन अगर हम योगफल वाला फॉर्मूला देखें तो उसमें होता क्या है कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें n का मान तो 22 हो जाता, d का मान हम रख देते 7,
लेकिन हमारे पास ए का मान नहीं था, ऐसी स्थिति में हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दिया था 22वां पद 149 है, ताकि आप 22वां पद लगा के ए का मान, डी का मान रख के ए का मान निकाल सको, और इस वाले फॉर्मूले में आप बाद में ए की जगह पर रखोगे तो आपको 22 पदों तक का योगफल मिलेगा। तो चलिए अब हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 22 पदों तक का योग तो n पदों का योगफल जो होता है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर होता है n बटे दो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन 22 पदों तक का पूछा गया है, इसलिए आप n की जगह पर 22 रखेंगे, तो यहाँ पर n की जगह पर 22 रख देना है, फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देना है, फिर n की जगह पर 22 रख देना है, बटे दो लिखा है तो यहाँ पर भी बटे दो ब्रैकेट, यहाँ पर 2 है तो 2, और ये जो a है इसका मान हमने निकाल लिया है, 2 ही आया है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में 2 रख दोगे बड़े ही आसानी से, फिर प्लस लगा है तो आप प्लस लगा दीजिए, और n का मान 22 पदों तक का ज्ञात करना है, इसलिए n का मान यहाँ पर 22 था तो यहाँ पर भी आपको 22 रख देना है, माइनस लगा है तो आप माइनस लगा देंगे, और एक लिखा है तो आपको एक रख देना है, और d का मान हमें दिया गया था, चेकआउट कर लेते हैं कितना दिया गया था, यहाँ पर d का मान 7 दिया गया था, तो चलिए यहाँ पर हम d की जगह पर 7 रख लेते हैं, कितना सिंपल है, आप यदि इसको एक बार कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए 2 11 22, तो ये 11 बार कैंसिल हो जाता है, और अंदर हम गुणा कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों का 2 2 4 प्लस 22 में से एक चला जाएगा तो आपको 21 मिलेगा, और यहाँ पर ये साथ साथ में गुणा होना है, तो अभी हम इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 है और ये 4 ज्यों का त्यों, अब 21 गुणे 7 हम कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये हमने गुणा भी कर लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा है, तो चलिए जोड़ भी लेते हैं, तो 11 है और 147 और 4, तो 7 और 4 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, तो 4 और 1 5 और 1 ज्यों का त्यों, तो 11 है गुणित 151, तो जब हम 11 है गुणित 151 करेंगे तो ये हमें मिलेगा, चलिए कर लेते हैं, 11 एकम 11 11 की 1 और हासिल में आ जाएगी 1, फिर 11 पौने 55, 55 और 1 हासिल की तो 56, 56 की 6 हो जाएगी, और फिर हासिल 5 आ जाएगी, तो 11 एकम 11 11 और 5 16, तो ये हमें मिलेगा 16 61, तो ये 22 पदों तक का योगफल यही आंसर आ जाएगा। तो आप जाके यहाँ पर लिख सकते हो कि S22 यानी कि 22 पदों तक का योगफल जो है वो है 16 61, और आप इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।